ये सारा प्लान तुमने बनाया ना, और कृष्णा जी कहाँ? खैरिया, कृष्णा कब्र में नहीं है। कृष्णा, घबराने की कोई बात नहीं है, कृष्णा जी आप माँ बनने वाली है। कृष्णा जी से शादी कर रहे थे ना, अच्छा शादी से पहले बच्चा मिल गया आपको? जब मैंने कुछ किया नहीं तो बच्चा मेरे कैसे हो सकता है? कुछ खाने को नहीं मिलेगा आपको जब तक आपका डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता। तेरी जी, आपको और बच्चे का डीएनए मैच कर गया है, आप ही इस बच्चे के बाप हैं। प्लीज मेरा साथ छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ इसका, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज मत जा। ब्रह्मदेव, आज से पहले इतनी असामान्य वस्तु हमने कभी नहीं देखी। देवी संतोष, स्पष्ट रूप से कहिए जो आपको कहना है। प्रजापति, क्या धरती लोक पर कम महामारी है जो नए नए कारक भेजे जा रहे हैं? मनुष्य जिस जीव को देखने का आदि नहीं, वो यदि वहां पहुंचेंगे तो वो उसे दैवीय प्रकोप समझेंगे, जिससे देवताओं के प्रति उनका विश्वास डगमगाएगा। ये हमारी रचना नहीं है। किसने किया इसका निर्माण? ब्रह्मदेव, हमारा सुझाव है कि आप इसकी जांच करवाएं। अपराधी स्वयं हमारे समक्ष होगा। इसे शीघ्र अति शीघ्र देवगुरु बृहस्पति की प्रयोगशाला में भेज दिया जाए, वही इसका परीक्षण होगा और उसके पश्चात हम निर्णय लेंगे। हम बेहोश कैसे हो गए? We'll be right back.
पापा, ए पापा उठो यार, साला जहां कहां सोए हो? बढ़िया। ताई जी क्या हुआ? ए उठो। हमें चक्कर आ रहा है, हमारा सर घूम रहा है। सारा चक्कर तो हमें भी आ रहा है, सारा समझ में नहीं आ रहा है, जैसा सब बेहोश कैसे हो गए। सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। उठो जी, हमें लगता है कोई चोर आया था। चोरी? ए अम्मा, अजय देखो घर में क्या हो गया, उठो। पापा, अरे अबे उठो अम्मा। उठो के पापा। अरे सिर बहुत चकरा रहे हैं भैया, क्या कहाँ हैं हम? अरे जीजी हमारा भी सर बहुत भारी हो रहा है। मामा तरानी, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, ये तो बहुरिया है। चलो चलो, मेरे बहु को क्या हो गया? अरे बड़ी जल्दी है दोनों को भागने की, है? क्या हुआ सरमिल? कुंटू जी, कुंटू जी हमारे सारे गहने चोरी हो गए। इतनी मेहनत दे के गहना जोड़ा था, अब हम क्या करें? अजय क्या हुआ? अब हम अपने बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे अपनी बेटी की शादी? अब बर्बाद हो गए सर, मिली इधर आओ हमारे पास। हम क्या करेंगे? अम्मा सर, अम्मा पापा, वो सर मिली के गहने नहीं मिल रहे। सब चोरी हो गए। चोरी? अरे हमारे घर चोरी नहीं हो सकती। अरे देख लो तो हमें नहीं। हाय हाय सर। अरे हम देख चुके हैं। अरे जीजी क्या हुआ? हमारा ये गहना छोड़ करके बाकी कहीं और सारे गहने चोरी तो नहीं होगा? हम देख के आते हैं। छुट्टी हम भी आते हैं। हे भगवान, संतोषी संतोषी माँ, ये तुमने क्या किया? अरे हमारे घर चोरी हो गई। हमारे घर में भी? अरे भैया यार, हमारे साथ ही हो गया था क्या? चोरों को कोई और घर नहीं मिला। हम तो यार सीधे सादे शरीफ लोग हैं, सड़क पे आ जाएंगे हम लोग तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। शांत हो जाओ पापा, शांत। ये एक्सरसाइज तो थका देगी मुझे। समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चा मेरे लिए शाप है या वरदान। कुछ भी हो, ये बच्चा मेरे लिए इस घर में रहने का टिकट है। सुबह सुबह फिर से इस मनहूस औरत की शक्ल दिख गई। पता नहीं दिन कैसा जाएगा। थोड़ा सा कष्ट भोग लो पुत्री। एक बार तुम्हारा शिशु इस संसार में आ जाए, उसके पश्चात तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
पुष्पा जी, जूस लेकर आओ मेरे लिए। यस मैम, अभी लाती हूँ। पुष्पा जी, अब तक काका को चाय नहीं दिया ना, अब तक तो दे देना चाहिए था। आजकल आपका इधर उधर के काम पे बहुत ध्यान रहता है, लेकिन पहले काका का काम। ये लीजिए, काका को चाय दीजिए, हम धैर्य सर को दे देंगे। जी। मुझे लगा था तुम्हारे आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। संतोषी की इज्जत इस घर में और भी ज्यादा बढ़ गई। देख रहे हो तुम्हारी माँ और तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। संतोषी, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारी रचना को पीड़ा पहुंचाओ? जब तक तुम्हारे भीतर है तब तक हमारे माध्यम से तुम्हारी रक्षा करेगा। संतोषी, संतोषी, संतोषी आके खुल, संतोषी, दीदी, संतोषी आके खुल, आके खुल, संतोषी, संतोषी, संतोषी उठो, आके खुल, संतोषी, चलो चलो इसे जल्दी कमरे में ले जाओ। हाँ पापा, पापा डॉक्टर को कॉल करी। हाँ हाँ, चलो। चलिए मॉम। डॉक्टर साहब, आप प्लीज इमीजिएटली जल्दी आ जाइए। आप वो संतोषी गिर गई और बेहोश हो गई है। माते, एक शिशु के उपद्रव से ये कैसे हो सकता है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सबके सब साला एक साथ बेहोश कैसे हो गए। हम बताएंगे, हम समझाएंगे सब। मैं तो बुद्धि भ्रष्ट हुई थी जो हमने संतोषी माता की पूजा करी। ये क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। ए, 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 बड़ी अम्मा, तुमको एक बात कायदे से बता दे हैं। ए गुड्डू, ज्यादा चूचा करने की जरूरत नहीं है। बड़की बाबू ठीक कह रही हैं, कोई पूजा वूजा नहीं होगी अब से। दिमाग खराब हो गया बड़ी अम्मा का, आप दोनों का भी, हम बता रहे बहुत पूजा करनी थी ना इसकी, बहुत पूजा करनी थी इसकी। ए बड़ी अम्मा, हम साफ साफ बता रहे हैं, संतोषी माँ की फोटो के साथ कुछ मत करो यार, हमारी बात मान लो। हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाओ। अरे हाथ पकड़ रखिए, और तुम कहाँ बढ़ रही हो, चुप हो जाओ।
खड़ी रहो। ए छछुंदर की औलाद, तुम बीच में मत पड़ो। छछुंदर औलाद? हाँ वही, अब हटो। छोड़ी, अरे पकड़ो सर, अरे खींचो, अरे अरे फोटो टूट जाएगी, छोड़ो, अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो सर, छोड़ो, अरे हम करे, छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। उसे रखनी है ना, रखो फोटो। लेकिन हम बता रहे हैं, आज के बाद अगर किसी ने इस घर में पूजा की तो हम उसके खाने में इमली, खटाई, नींबू, अचार सब डाल देंगे। हाँ बड़ी अम्मा, एक बात ध्यान से सुन लो, जेत तुम्हारी घर में चोरी ना हुई है। संतोषी माँ की पूजा करने से थोड़ी ना आपके घर में चोरी हुई है। चुप। हमें नहीं मालूम किसकी वजह से हुई है, हम बस ये कह रहे हैं कि आज के बाद इस घर में संतोषी माता की पूजा नहीं होगी। हाँ होगी, होगी। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इन्हें कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई है। हाँ, पर गिरने की वजह से इन्हें थोड़ी स्वेलिंग आ गई है, जो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। पुष्पा, संतोषी के लिए पानी लेकर आना। जी। बेटी, हमारी समझ में नहीं आ रहा, तुम इस तरह अचानक गिर कैसे गई? याद तो मैं भी नहीं काका, हम यहाँ चाय लेकर आ रहे थे, फिर अचानक से हाथ में ऐठन आई और गिर गए, बस इतना ही याद है। संतोषी, तुम सत्य को कभी ज्ञात नहीं कर पाओगे। कृष्णा का शिष्य उसका रक्षक, हम उसके माध्यम से तुम्हें इतना कष्ट देंगे कि उन कष्टों का आकलन करना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। माते, इस शिशु के माध्यम से कहीं देवी पॉल में कोई क्रीड़ा तो नहीं कर रहे? वैसे भी ये शिशु देवी पॉलमी द्वारा निर्मित किया गया है। मत करो, होता है, ऐसे होता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? हम ठीक है काका, बस हाथ में थोड़ा दर्द है। मैंने इन्हें पेन किलर दे दिया है और 24 घंटे में शी विल बी फाइन। मैंने ये मेडिसिन लिखी है, जो आप इन्हें रात को दे दीजिएगा। जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू। बेटी, अब तुम आराम करो। भैया, पापा सही कह रहे हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड रेस्ट। हम ठीक हैं काका। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? सबके लिए चाय बनाने। कुछ ही देर पहले तुम होश में नहीं थी और अब कब उठ के जा रही हो? नहीं बेटे, जो भी काम है वो पुष्पा से कहना, वो करेगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझे कि नहीं? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये संतोषी गिरी कैसे, कहीं ये देवी पॉलमी का चमत्कार तो नहीं? लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मैंने तो सिर्फ पेट पर हाथ लगाया था और उतने में संतोषी गिर पड़ी, और कमाल की बात यह है कि उसकी देवी भी कुछ नहीं कर पाई। माते, ये स्त्री तो आपके नाम का दुष्प्रचार कर रही है, इसे उसका पाठ मिलना चाहिए। गौ माता, लाल जी मनुष्य
स्वयं के लिए किसी को भी नीचा दिखा सकता है, किंतु ऐसे मनुष्य को अंत में पछताना पड़ता है। प्रणाम माते, प्रणाम गौ माता। कहिए, आपका किस कार्य हेतु आगमन हुआ? माते, ब्रह्मदेव ने एक देव सभा संयोजित की है, वहाँ आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। नाम माते। माते, ये अच्छी सूचना है। प्रतीत होता है देवी पौलमी का भेंट खुलने वाला है। प्रणाम देवी। प्रणाम। आपको शीघ्र ही देव सभा में उपस्थित होना है, ऐसा ब्रह्मदेव का आदेश है। ये बुलावा अवश्य ही उस कृत्य के कारण आया। अब हम क्या करें?